Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Best Ideas with Sana. Guys, आज मैं आपको समर सीजन के हवाले से एक बहुत सी अच्छी सी चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जो समर में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है. गाइस, ये जो चीज़ है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं. आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलो इस चीज़ से, ये है स्विस ट्रीटमेंट वाइटनिंग आइसक्रीम. गर्ल्स में उनका ब्लीच के बगैर गुजारा नहीं होता. हर वीक में हमें जो है, या एक वीक या दो वीक बाद हमें ब्लीच क्रीम जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है. ये एक ऐसी ब्लीच क्रीम है गाइज, कि मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँ तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे. गाइज, मैंने ये ब्लीच क्रीम पर्सनली तौर पर खुद भी यूज़ की है. ये बहुत ही अच्छी ब्लीच क्रीम है. आपको इसके सबसे पहले फ़ायदे बताती चलूँ कि ये जो ब्लीच क्रीम है, ये हमारी सबसे पहला, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें होने वाला है ये है कि ये जो पीएच बैलेंस हमारी स्किन का होता है, ये उसको जो है लेवल पे करेगी. एक ब्लीच क्रीम होने के साथ साथ इसके हमें और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं. ब्लीच क्रीम का काम होता है हमारी स्किन के बालों को गोल्डन करना, ठीक है, लेकिन ये उसके साथ साथ हमारी स्किन को भी रिपेयर करेगी. ये हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को नॉर्मल करेगी. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये उसको नॉर्मल कर देगी. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो भी ये उसको नॉर्मल कर देगी, ठीक है. और ये एलोवेरा और नेचुरल हर्ब एक्सट्रैक्ट से मिलकर बनी है और ये ऑल टाइप्स स्किन पे अप्लाई की जा सकती है. इस ब्लीच क्रीम का समर सीजन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है गाइस कि ये जैसे ही आप इसको फेस पे अप्लाई करेंगे, आपको ठंडा ठंडा सा एहसास होना शुरू हो जाएगा, ऐसे जैसे हम कोई ठंडा टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही. ये लगाते ही आपको किसी किस्म की ना तो इरीटेशन होगी और ना ही आपको गर्मियों में जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमें फेस पे जो इरिटेशन होती है वो भी नहीं होगी. आपको मैं इसको खोलकर भी दिखाती हूँ ये अंदर से किस तरह की है. गाइस, ये देखिए, ये अंदर से ग्रीन से कलर की एक जार में आती है. ये देखें, आप इसको देख सकती हैं, इसका कलर मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है गाइस कि अक्सर लड़कियां होती हैं जो ब्लीच क्रीम जितना मर्ज़ी हाई लेवल का जो है इसमें ये वॉल्यूम डाल लें तो उनके जो है जो स्किन के हेयर्स हैं वो गोल्डन नहीं होते हैं, मतलब ऐसे ही चेहरे पर नज़र आ रहे होते हैं. लेकिन ये ऐसी ब्लीच क्रीम है गाइस कि ये आप जैसे ही अपने फेस पर लगाएंगे, जस्ट 15 मिनट आफ्टर आपने इसको रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन किस तरह ग्लो ग्लो और वाइट वाइट सी आपको फील होगी, ठीक है. और आपके सारे फेस के जो बाल हैं वो इक्वल बैलेंस हो जाएंगे. इसका डिवेलपर ये एक प्लास्टिक की बॉटल में है, और इसका जो अंदर से डिवेलपर है ये पाउडर फॉर्म में, ये आपको ब्लू से कलर का मिलेगा. आपने, अब मैं आपको इसको बताऊंगी कि आपने ये किस तरह और कितनी अमाउंट में यूज़ करनी है. ये देखें गाइस, अंदर से इस तरह इसको कवर किया गया है, और ये मैं एक आगे भी काफ़ी बारी अप्लाई कर चुकी हूँ पर्सनली. मैं फिर ही जो चीज़ मैं खुद यूज़ कर लूँ, मैं फिर ही उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. जिस चीज़ का मुझे फ़ायदा हो तो मैं आपको बताती हूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप सबको भी समर में इस चीज़ का फ़ायदा हासिल हो, और आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे, और आप इसको ज़रूर खुद भी अपनी स्किन पे अप्लाई लाजमी कीजिएगा. ये देखिए गाइस, ये मैं इसको इतनी सी अमाउंट में लूँगी, ये काफ़ी थिक क्वांटिटी में होती है, ठीक है. आपको जितनी अपने चेहरे के हिसाब से चाहिए नेक पे अप्लाई करने के लिए तो आप उतनी इसको ले सकते हैं. आप इसको हैंड एंड फुट पे भी यूज़ कर सकते हैं. कभी भी ब्लीच क्रीम को फिंगर की मदद से नहीं निकालना, आपने हमेशा किसी न किसी स्पून से ही इसको निकालना है. अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि किस क्वांटिटी में आपने ये पाउडर इसमें डालना है. जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो स्पेशली इस ब्लीच क्रीम को यूज़ करें, उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है. सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो ये समर में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. ये देखिए गाइस, मैं ये
डाल रही हूँ हाफ टी स्पून आपने जस्ट इसमें ये पाउडर का डालना है, और जो क्रीम है वो भी मैंने तकरीबन 1.5 स्पून क्रीम ली है, और उसमें मैंने अपनी स्किन के लिहाज से, ठीक है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं इसको इतना ही पाउडर लूँगी, हाफ टी स्पून, और ये इसके लिए काफ़ी होगा। और आपने इसको ज़ोर से बंद करके रख देना है ताकि ये एयर टाइट हो जाए, ठीक है गाइस। अब ये देखिए मैं इसको मिक्स करूँगी, आपको ये अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा थिक क्वांटिटी में नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये आपस में ये देखें मिक्स होती जाएगी तो ये आपको अपना रिजल्ट देना शुरू कर देगी। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ये जितनी ज़्यादा, आपको एक बात बताती चलूँ कि ब्लीच क्रीम जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होगी उतना ही ज़्यादा उसका जो पाउडर है वो अंदर अच्छे से मिक्स होगा और उतना ही अच्छा रिज़ल्ट वो आपको देगा। आपको इसमें किसी किस्म की कोई भी वाइटनिंग कैप्सूल्स या कोई भी लोशन या किसी किस्म की कोई भी दूसरी चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका खुद ही रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्लीच क्रीम जब आप अप्लाई करेंगे तो ये ब्लीच क्रीम आपका मेरे हिसाब से ये आपका 15 से 20 दिन ईजीली निकाल देगी, ठीक है, आपको बार बार ब्लीच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये कितनी थिक थी और मिक्स करने पर ये एक क्रीमी फॉर्म में इस तरह आ गई है। आप इसको इजीली अप्लाई करें और आफ्टर 50 मिनट बाद रिमूव करें, ठीक है, स्पंज की मदद से, या फेस को वॉश करें या फेस वॉश से फेस को अच्छे से धो लें, आपको इसके रिजल्ट खुद ही नज़र आ जाएंगे। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी इस ब्लीच क्रीम को ज़रूर एक बारी यूज़ करके देखिएगा और कमेंट में मेरे साथ इसके रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।